वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम पहले ही कर चुके हैं लास्ट वीडियोज में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है, कुछ स्टेप्स हैं। पहले हम उन स्टेप्स को देखते हैं। पहला जो स्टेप्स है, सपोज हमारे पास इक्वेशंस गिवन हैं, पहले हम उन इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखेंगे। सपोज हमारे पास ये दो इक्वेशन है जनरल फॉर्म में, a1x plus b1y plus c1 = 0, a2x plus b2y plus c2 = 0। पहले हम इन इक्वेशंस को लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप है हमारा। सेकंड स्टेप, मेक द डायग्राम। इस डायग्राम को बनाएंगे, यहां लिखेंगे x, y और 1 इज द कांस्टेंट। जो हम ये डायग्राम बना रहे हैं, ये हमारा प्रोसीजर है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। x के नीचे क्या लिखेंगे, b1। देखें x के बाद जो कोफिशिएंट्स आते हैं, b1 b2 c1 c2, तो b1 b2 लिखा आपने, c1 c2, यानी कि x के लेफ्ट में भी और राइट में भी। सिमिलरली y का c1 c2 के बाद क्या आता है, c1 c2 के बाद कोफिशिएंट्स a1 a2 a1, y के इधर भी लिखेंगे और इधर भी। फिर 1, a1 के बाद क्या आता है, b1 b2, b1 और b2 लिखेंगे। इस डायग्राम को आप बनाएंगे। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, x के नीचे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप b1 को c2 से, b1 into c2 माइनस, ये माइनस फॉर्मूले का ही है, माइनस b2 into c1 इज इक्वल टू y by c1 into a2 माइनस c2 into a1, यानी कि y के नीचे c1 c2 a1 a2 इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और 1 के नीचे क्या है, 1 के नीचे देखिए ध्यान से, a1 a2 1 के लेफ्ट और राइट में ये हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1। स्टेप 4 में क्या करना है आपने, x और इस स्टेप 3 की हेल्प से आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रोवाइडेड a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि a1 b2 माइनस a2 b1 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो 1/0 तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, ये सेम कंडीशन है, आपको पता होगा यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या थी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि a1 into b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1, या ये कह सकते हैं a2 b1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द सेम, यानी कि ये 0 नहीं होने का मतलब है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी हमारी x और y की वैल्यू निकलेगी। और x और y की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, अब ये तीनों रेशो इक्वल हैं, पहले इस रेशो को इसके इक्वल रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, और इस रेशो को सेकेंड रेशो को थर्ड रेशो के इक्वल रख देंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी, y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 2x plus y equal to 5, 3x plus 2y equal to 8। जैसे कि मैंने पहले बताया था, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हम इक्वेशंस को लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, a1x plus b1y plus c = 0, यानी कि उधर राइट हैंड साइड में 5 है, इधर लेके आ जाएं 2x plus y minus 5 equal to 0, राइट में 0 लिख लेना है, तो 3x plus 2y और इधर लेके आएंगे लेफ्ट में तो क्या आएगा, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। वी राइट, सेकंड स्टेप क्या था हमारा, डायग्राम बनाएंगे हम, यहां पे लिखेंगे x, यहां पे लिखेंगे हम y और यहां पे लिखेंगे 1। x के बाद b1 b2 लिखते थे हम, x के बाद जो कोफिशिएंट्स आएंगे वेरिएबल्स के, जो कोफिशिएंट है b1 b2 1 2 याद होगा हमारा, x y 1 b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2 यही लिखा था हमने, यानी कि x के बाद जो भी आएंगे b1 b2 1 2 c1 c2 माइनस 5 माइनस 8, फिर इसके बाद कोफिशिएंट्स के आगे 2 3 के बाद 1 एंड 2, ये डायग्राम आपने बना लेना है और इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, समझ आ गई ये। फिर क्या लिखना था, स्टेप हमारा 3 क्या था, x के नीचे, ये डायग्राम लिखने के बाद x के नीचे लिखना है, x के लेफ्ट और राइट में जो है, x के नीचे क्या है, 1 2 माइनस 5 8, इनको मल्टीप्लाई करना है 1 को माइनस 8 से,
मल्टीप्लाई माइनस, माइनस ये फॉर्मूले में ही होता है, 2 को माइनस 5 से, ठीक है, इज इक्वल टू वाई और इज इक्वल टू 1 लिख लेना है आपने, यही लिखते थे हम, y के लेफ्ट और राइट में ये मल्टीप्लाई होंगे, माइनस 5 को 3 से, माइनस माइनस 8 को 2 से, 2 को माइनस 8 से, और 1 के नीचे 2 को 2 से, माइनस 3 को 1 से, ये लिख लेना है। दिस इंप्लाइज x डिवाइड बाय ये कितना आ गया, माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस, 5 2 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 15 और माइनस माइनस प्लस, 2 8 जा 16, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 2 जा 4 माइनस 3। कैलकुलेट करते हैं, दिस इंप्लाइज x माइनस 8 प्लस 2 सॉरी माइनस 8 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 2, y डिवाइडेड बाय माइनस 15 प्लस 16 एक बचा, और 1 4 माइनस 3 4 में से 3 जाएगा 1। तो जैसे कि मैंने बताया था तीनों रेशियो इक्वल हैं, x वाला जो रेशियो है उसको कांस्टेंट के इक्वल रख दो, दिस इंप्लाइज x बाय 2 इज इक्वल टू 1, 1 बाय 1 1 ही होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2, और सेकंड रख दो y बाय 1 इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब आप देख सकते हैं ये जो हमारी वैल्यू गलत है या ठीक है, x की वैल्यू 2 पुट करें इसमें, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे जो आंसर है वो क्या है, करेक्ट। इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के बेस पे है, सॉल्व द इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप क्या होता था, हमारी जो इक्वेशन है उसको हम इस फॉर्म में लिखते थे, x plus by plus c equal to 0, already given है, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, अगर कोई नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, और 3x minus 3y minus 15 equal to 0, we write, जैसे कि मैंने बताया आपने डायग्राम बनाना है, डायग्राम क्या लिखना है, x लिखना है, यहां पे लिखना है y, यहां पे लिखना है 1, ठीक है, x के बाद जो कोफिशियंट्स हैं, यानी कि b1 b2 minus 3 minus 3, x के नीचे लिखना माइनस 3 माइनस 3, फिर क्या है माइनस 7 माइनस 15, ये x के लेफ्ट में और राइट में लिखना है, और y के लेफ्ट में तो आ गया, फिर राइट में लिखना है माइनस 7 और माइनस 15 के बाद आगे तो कुछ है नहीं, फिर स्टार्टिंग से 1 3 यानी कि a1 a2 b1 b2 यानी कि फिर माइनस 3 माइनस 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, फिर यहां से हम x के नीचे वैल्यूज लिखेंगे इक्वल y के वैल्यूज लिखेंगे और 1 के नीचे लिखेंगे, यही करते हैं हम, x के नीचे क्या लिखेंगे, ये जो दो मल्टीप्लाई है माइनस 3 को माइनस 15 से, माइनस माइनस ही फॉर्मूले का साइन होता है, माइनस 3 को माइनस 7 से, माइनस 3 को माइनस 7 से, और y के नीचे माइनस 7 को 3 से, और माइनस का फॉर्मूले का होता है 1 को माइनस 15 से, और 1 के नीचे लिखेंगे 1 को माइनस 3 से माइनस, और 3 को किससे माइनस 3 से, ये जो माइनस है ये फॉर्मूले में ही होता है हमारा, ठीक है, पहले ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड, फिर माइनस ये लिखा जाता है, तो दिस इंप्लाइज x डिवाइड बाय इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 45 माइनस, और ये आ गया 21, 7 3 जा 21, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस हो गया 21, y माइनस 21 और माइनस माइनस प्लस 15, 1 बाय माइनस 3, ये हो गया हमारा माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, 3 3 जा 9, तो हमारे पास ये जो वैल्यूज आई x डिवाइड बाय इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 24, और y डिवाइड बाय माइनस 6 और 1 बाय माइनस 3 प्लस 9 6 बचा, 6 बच गया हमारे पास, और अब इक्वल रखेंगे हम, और एक बार इस रेशियो को इसके इक्वल रख दो, एक बार इस रेशियो को इसको इक्वल रख दो, x बाय 24
इक्वल टू 1 बाई 6, तो ये हो गया हमारा 6x इक्वल टू 24, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब सेकंड को रखेंगे y बाई माइनस 6 इक्वल टू 1 बाई 6, 6y इक्वल टू माइनस 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1। आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, x को 4 पुट करेंगे, 4 माइनस 3 इंटू माइनस 1, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 7 0, यानी कि हमारा आंसर क्या है, करेक्ट। क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड इनफाइनिटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ए और बी की किस वैल्यूज के लिए जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, दीज इक्वेशंस हैव इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी कि आपने ए और बी की वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए इस इक्वेशंस के इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशंस हो। अब इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या होती थी, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 for infinitely many solutions। a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। अब इस इक्वेशन में a1 देखें, x का कोफिशिएंट a1 2, और वहां पे x का कोफिशिएंट ये है हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये पूरा कांस्टेंट है हमारा, जहां a और b आ जाते हैं दीज आर कंसीडर्ड एज कांस्टेंट। x का कोफिशिएंट a2 और y का कोफिशिएंट b2, 2 by a minus b is equal to b1 हमारा कितना 3 और b2 कितना a plus b, c1 कितना 7, दिस इज 3 ए प्लस बी माइनस 2, यानी कि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए तीनों रेशियो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो दिस इंप्लाइज आपस में तीनों रेशियो इक्वल हैं, आप किसी को किसी के इक्वल रख दो, दिस इंप्लाइज 2 ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 बाई ए प्लस बी, तो दिस इंप्लाइज 3 ए माइनस 3 बी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2 ए प्लस 2 बी, तो दिस इंप्लाइज 3a माइनस 2a 2b, और राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा 3b, माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया, तो a इज इक्वल टू 5b, यानी कि इन दोनों को कंपेयर करके हमारे पास a की वैल्यू कितनी आई 5b। आल्सो अब एक रेशियो कंपेयर करनी आपकी मर्जी, फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपेयर कर लें या सेकंड को थर्ड के, आल्सो 2a फर्स्ट को थर्ड के इक्वल कर देते हैं, 2a माइनस b इक्वल टू 7, 3a प्लस बी माइनस 2, पहले इसको इसके इक्वल रख दिया, अब इसको इसके इक्वल, एक इक्वेशन हमारी a और b में वहां से आ जाएगी, फिर आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, वहां से हमारी a और b की वैल्यू आ जाएगी, तो दिस इंप्लाइज 7a माइनस 7b इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3a प्लस बी माइनस 2, तो हमारे पास ये क्या आ गया 7a माइनस 7b इज इक्वल टू 3 टू द 6a प्लस 2b माइनस 4, तो 7a माइनस 7b माइनस 6a माइनस 2b इधर ट्रांसपोज करते हैं प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 7 माइनस 6 a आ गया, माइनस 7b माइनस 2b माइनस 9b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशन बन गई, पुट a इज इक्वल टू 5b इन इक्वेशन दिस, पुट a इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं, तो a इज इक्वल टू 5b पुट कर दिया, 5b माइनस ये इक्वेशन हमने 1 मान ली, ये इक्वेशन हमने 2 मान ली इन इक्वेशन 2, तो ये हो गया हमारा 5b माइनस 9b और प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज माइनस 4b और प्लस 4 इज इक्वल टू उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज माइनस से माइनस कैंसिल, 4 बाई 4 कितना आ गया 1, पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 5b है, a कितना आ गया 5b, यानी कि अगर हमारी a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 होगी, For these values, the given equation will have infinitely many solutions. देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। For which values of k
सेकंड का सेकंड पार्ट, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशंस, 3x plus y is equal to 1, 2k minus 1, x plus k minus 1 into y is equal to 2k plus 1. हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है, आपने k की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए हमारे गिवन इक्वेशंस के कोई भी सॉल्यूशन ना हो. पहले हमने किसके लिए किया था, इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए किया था, और यहां पे हम कर रहे हैं नो सॉल्यूशंस. नो सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या होती है, फॉर नो सॉल्यूशन याद है आपको a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. ये कंडीशन होती है. इनफाइनिटली मेनी के लिए तीनों रेशियो इक्वल होनी चाहिए, तो ये तीनों दो रेशियो फर्स्ट इक्वल होनी चाहिए, तीसरी इसके इक्वल नहीं होनी चाहिए. a1 by a2, a1 हमारा कितना 3 और a2 कितना है 2k minus 1. x का जो कोफिशिएंट होगा और y का कोफिशिएंट b2, a1 b1 c1 a2 b2 c2. तो b1 कितना हमारा 1, y का कोफिशिएंट कितना है सिर्फ y के साथ नंबर 1 मल्टीप्लाई है, ठीक है. b2 हमारा k minus 1 और this is equal to not equal to c1 1 by 2k plus 1. तो दिस इंप्लाइज यानी कि रेशियो इक्वल होगी 2k minus 1 इज इक्वल टू 1 by k minus 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3k minus 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा k minus 1 और 1 हो जाएगा 2k minus 1. तो दिस इंप्लाइज 3k minus 3 इज इक्वल टू 2k minus 1. k की टर्म्स को कलेक्ट कर लें, इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो गया और माइनस 1, और इधर जाएगा इसका हो गया प्लस का हो गया. So this implies k is equal to 2. K की हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई. बट हमें ये भी इसको भी ध्यान में रखना है कि k की इस वैल्यू 2 के लिए ये इक्वल नहीं होने चाहिए. किसी क्वेश्चन में अगर मान लो सपोज k is equal to 2 के लिए ये दोनों वैल्यूज, ये दोनों रेशियो इक्वल हो जाती हैं, तो आप इसको भी रिजेक्ट कर देंगे. समझ आ रहा है? आल्सो फॉर k is equal to 2, ये देख रहे हैं आपने 1 by k minus 1 is not equal to 2k plus 1, देख ले बन रहा है not equal. तो हमने k 2 put किया 2 minus 1, तो ये हो गया 1 by 1 और 2 2 जा 4 plus 1 5, ठीक है. k is equal to 2 के लिए ये दोनों ratio equal नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखें. suppose अगर equal हो जाते हैं तो इसका मतलब ये value हमारी k की कोई भी value exist नहीं करेगी. This implies k is equal to 2. यार हमारा आंसर आ गया. लिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. 4 का फर्स्ट पार्ट. A part of monthly hostel charges is fixed and remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. एक part of monthly hostel charges, hostel में जो charges दिया हुआ है उसका कुछ part fixed है. जैसे कोई बंदा हॉस्टल में खाना खाता है, उसका कुछ पार्ट तो जो हम चार्ज दे रहे हैं हॉस्टल में फिक्स है. एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस. और जो हम जो खाना खाते हैं मेस के अंदर, वो उस पे नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड करता है आप कितने दिन खाना खाते हैं मेस के अंदर. समझ आ गया? व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज सी हैज टू पे रुपीज 1000 एज हॉस्टल चार्जेस. एक स्टूडेंट है, वो कितने दिन खाना खाता है, 20 दिन, और कितना चार्ज पे करना पड़ता है उसको एज हॉस्टल चार्जेस 1000 रुपीज. यानी कि फिक्स, इसके साथ फिक्स भी इंक्लूड है. यानी कि 20 दिन खाना खाता है वो कितने रुपीज देता है 1000, साथ में इसके वो क्या देता है फिक्स चार्ज भी देता है. एंड अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 20 डेज पेज रुपीज 1180 एज हॉस्टल चार्जेस. और दूसरी जगह एक स्टूडेंट है बी, वो कितने दिन खाना खाता है 26 डेज और कितने हॉस्टल चार्जेस पे करता है 1180 रुपीज. फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. हमने क्या निकालना है, फिक्स चार्ज निकालना है एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे निकालना है. जो क्वांटिटी हमें निकालनी होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो क्वांटिटी निकालनी है उसको हमें क्या करना होता है, लेट करना होता है. लेट फिक्स चार्ज रुपीज एक्स और क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे
रुपीज वाई, इसको मान लिया फर्स्ट कंडीशन। देखिए एक स्टूडेंट ए है, कितने रुपए पे करता है 1000 रुपीज, कितने दिन का 20 डेज का। अगर एक दिन के खाने का चार्ज वाई रुपीज है, 20 दिन का कितना हुआ 20y, समझ आ गया। अगर एक दिन का खाने का अगर चार्ज वो 20y रुपीज देगा तो 20 दिन खाना खाता है तो 20 दिन का कितना देगा 20y, और प्लस में साथ में फिक्स भी दे रहा है प्लस x। दिस इज द टोटल चार्ज फॉर टेकिंग फूड बाई स्टूडेंट ए फॉर 20 डेज। 20 दिन उसने जो खाना खाया है हॉस्टल के अंदर, ये वो टोटल चार्ज है। बट ये तो हमें गिवन है, कितना है 1000, समझ आ रहा है। इस टॉपिक से रिलेटेड हम पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.4 और 3.3 में भी। सेकंड कंडीशन, अब 26 डेज अगर खाना खाता है तो कितना देना पड़ता है उसको चार्ज 1180 रुपीज, ठीक है। तो क्या बन जाएगा x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। यह आपको मैंने पहले भी समझाया है। मान लो आप कहीं पे भी, मान लो आप किसी हॉस्टल में खाना खाते हैं, ठीक है, एक दिन के खाने के दे रहे हैं 10 रुपए, आपने खाया 20 दिन तो टोटल कितना दिया आपने 200 रुपीज। बट हॉस्टल वाला कहता है आपको साथ में एक फिक्स चार्ज भी देना है कि आप खाना स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको 500 रुपए जमा करवाना है, फिक्स नॉन रिफंडेबल है वो, तो आप 500 भी तो देंगे ना, 500 भी देंगे तो 500 प्लस 200 कितना हो गया 700 हो गया ना। तो क्या हुआ हमारा टोटल चार्ज, मैंने आपको पहले भी बताया है ये हमारा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं टोटल चार्ज निकालने का, फिक्स चार्ज प्लस 20, 20 दिन खाना खाया मैंने माना, नंबर ऑफ डेज, और एक दिन के खाने का चार्ज मैंने कितना माना है लेट की है 10 रुपीज माना है चार्ज पर डे। जहां भी ये सिचुएशन आती है आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, टोटल चार्ज फिक्स चार्ज, फिक्स तो देगा वो, यहां पे वही लिखा मैंने फिक्स, और प्लस नंबर ऑफ डेज कितने दिन खाना खाया 26 डेज, चार्ज पर डे एक दिन के खाने का खर्चा कितना वाई रुपीज, ये आ गया हमारा 26 दिनों के खाने का खर्चा, और वो कितना दे रखा है 1180 रुपीज, इसलिए मैंने इसको इसके इक्वल कर दिया। दो इक्वेशन बन गई, इसको मैं रब कर देता हूं। सोल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2, बस अब आपको सॉल्व करनी है, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होता है कि आपको किस मेथड से करना है, जो आपको आसान लगता है आप उसी मेथड को फॉलो करें। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 और x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180 माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस का कैंसिल हो गया 20 माइनस 26 माइनस 6y और ये कितना बचेगा हमारा, माइनस करेंगे माइनस 180, माइनस से माइनस कैंसिल, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 6 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 180 बाई 6, तो y की हमारी वैल्यू कितनी आ गई 30, समझ में आया इतना। y की 30 जो हमारी वैल्यू निकली है वो आप इक्वेशन 1 या 2 में किस में पुट कर दें, पुट y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन जो कि आपको सुटेबल लगता हो फर्स्ट में पुट कर देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, तो दिस इंप्लाइज x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000, तो दिस इंप्लाइज x प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 600 आ जाएगा 1000, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1000 माइनस 600, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 400, तो दिस इंप्लाइज जो हमें फाइंड आउट करना था फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज कितना आ गया रुपीज 400 चार्ज पर डे, कि एक दिन में खाने का जो खर्चा लग रहा है वो कितने है वाई रुपीज 30, ये हमारे आंसर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पे आते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। इस टाइप का प्रॉब्लम्स
फ्रैक्शन से रिलेटेड हम पहले 3.3 और 3.4 में भी कर चुके हैं, फाइंड दी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन निकालना है। जैसे कि मैंने आपको बताया जो क्वांटिटी आपको निकालनी हो, मान लो लेट फ्रैक्शन बी, ये हमने निकालना है, तो यहां पे न्यूमरेटर कितना हो x हुआ और डिनोमिनेटर कितना हो y हुआ। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, ये फ्रैक्शन मेरा 1/3 बन जाता है, कब, व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। सिर्फ न्यूमरेटर से कह रहे हैं क्या करें, अगर सबट्रैक्ट कर दें 1 तो डिनोमिनेटर की तो कुछ बात ही नहीं है, इसका मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर से 1 सबट्रैक्ट कर दें तो ये कितना बन जाता है, इट बिकम्स का मतलब इट इज इक्वल टू 1/3, इट मींस तो दिस इंप्लाइज 3x, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y, और y को इधर ले आते हैं, उधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो गया, और 3 उधर जाके प्लस का हो गया, इक्वेशन 1 बन गई। सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है, एंड इट बिकम्स 1/4, यानी कि जो हमारा फ्रैक्शन है, जो माना है वो कितना बन जाता है, 1/4 बन जाता है, कब, व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर में क्या ऐड करें 8, न्यूमरेटर में इसका मतलब कुछ नहीं बोला, तो कितना बन जाता है 1/4, इट बिकम्स का मतलब इज इक्वल टू, ये 1/4 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो मल्टी क्रॉस मल्टीप्लाई 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, तो दिस इंप्लाइज 4x माइनस y इज इक्वल टू 8, दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं हम, सबट्रैक्ट करेंगे क्योंकि कोफिशिएंट्स हमारे एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, बेटर है। तो सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2, तो हमारे पास फर्स्ट क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और दूसरी क्या है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये प्लस का हो गया माइनस का हो गया, और ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, तो ये कैंसिल हो गए, तो ये क्या है हमारे पास माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5, तो दिस इंप्लाइज माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो एक्स क्या है हमारे पास 5, अब ये वैल्यू पुट एक्स इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, तो फर्स्ट में पुट कर दें या सेकंड में, जो भी आपको सुटेबल लगे, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 3 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, वाई की वैल्यू निकालनी है 15, और माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो दिस इंप्लाइज माइनस वाई, और 15 को उधर भेज देते हैं, राइट में गया तो माइनस का हो गया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल तो वाई कितना आ गया हमारा 12, तो दिस इंप्लाइज, देखिए कई बच्चे यहां तक छोड़ देते हैं एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के, नहीं फ्रैक्शन निकालना है जो फाइंड आउट करने, अदरवाइज हाफ मार्क्स कट जाएगा, फ्रैक्शन क्या हमारा एक्स बाई वाई, तो फ्रैक्शन क्या आ गया 5/12, ये हमारा जो मेन आंसर जो हमने फ्रैक्शन निकालना था वो हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, एक स्टूडेंट दिया हुआ यस, उसको कितने मार्क्स मिलते हैं टोटल 40 मार्क्स, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, जो भी उसने आंसर ठीक किया है हर एक राइट आंसर के उसको कितने मार्क्स मिलते हैं 3 मार्क्स, एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, अगर उसने आंसर गलत दिया है तो 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, एक गलत आंसर देने पर उसके कितने मार्क्स कट जाते हैं, एक मार्क कट जाता है, अगर मान लो 10 क्वेश्चन उसने गलत दिए हैं, 10 क्वेश्चन का उसने आंसर गलत दिया है तो इसका मतलब 10 नंबर कट जाएंगे, और मान लो 5 क्वेश्चन उसने ठीक किए हैं, ठीक है, तो एक क्वेश्चन के 3 नंबर मिले तो कितने नंबर मिल गए उसको, 15 नंबर मिल गए, इसका मतलब समझ आ रहा है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर उसको हर एक करेक्ट आंसर के 4 नंबर मिलते एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और हर एक गलत या इनकरेक्ट आंसर के लिए उसके 2 नंबर डिडक्ट होते, हर पर यानी कि पर इनकरेक्ट आंसर कितने डिडक्ट होते 2 नंबर, देन यस वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स, तो यस के कितने नंबर आ जाते 50 नंबर आ जाते। हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन थे, देखिए उस टेस्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसमें से यस ने आंसर करेक्ट दिया है,
और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें से यश ने जो आंसर दिया है वो इनकरेक्ट दिया है। ठीक है, लेट हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, करेक्ट आंसर्स का मतलब जिनका यश ने करेक्ट आंसर दिया है एक्स मान लिया हमने, और नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स वाई, यानी कि वाई क्वेश्चंस का यश ने इनकरेक्ट आंसर दिया है और एक्स हमारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका यश ने करेक्ट आंसर दिया है, तो टोटल क्वेश्चन एक्स प्लस वाई होंगे, यानी कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के दोनों को क्या कर देना है ऐड, वो आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन उसको 40 नंबर मिलते हैं, अगर तीन नंबर उसको हर एक राइट आंसर के मिलते हैं, उसने राइट आंसर कितने दिए हैं एक्स, और एक क्वेश्चन के तीन नंबर मिले तो करेक्ट आंसर्स की उसको कितने मार्क्स मिले 3x। समझ आ गया, मान लो आपके पास 10 क्वेश्चन आपने करेक्ट दिए हैं और एक क्वेश्चन के 10 तीन नंबर मिले तो कितने हो गए 30 हो गए ना, 3 × 10 और 10 की यहां पे कितने हैं एक्स हमारे करेक्ट आंसर्स हैं, ये उसको मार्क्स मिले करेक्ट के। अब उसके माइनस भी होंगे इनकरेक्ट के, इनकरेक्ट के माइनस, एक इनकरेक्ट आंसर देने पे एक नंबर कटता है और कितने इनकरेक्ट आंसर दिए y, तो y इनकरेक्ट आंसर देने पे कितने मार्क्स कटेंगे y into 1 y। समझ आ गया, सपोज मान लो उसने दो क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं, ठीक है, तो कितने नंबर कटेंगे 2 × 1 और इनकरेक्ट कितने हमारे y, तो y मल्टीप्लाई 1 y, टोटल मार्क्स कितने मिलते उसको 40। फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड कंडीशन सिमिलरली, अगर वो चार नंबर हर एक करेक्ट आंसर के चार नंबर मिलते और दो नंबर हर एक इनकरेक्ट आंसर देने पे कटते तो उसके 50 नंबर आते। अब देखिए उसके जो नंबर मिले 4x, क्यों, क्योंकि x नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स है, एक क्वेश्चन में कितने नंबर मिलते 4, तो 4x हो गए हमारे। अब डिडक्ट कितने होंगे माइनस जो कि उसके कटे हैं गलत के, गलत के कटे हैं, एक के कितने नंबर कटे हैं 2 नंबर, उसने गलत कितने दिए हैं वाई, तो 2y हो गए नंबर। समझ में आ गया, क्योंकि एक आंसर के कितने नंबर कटे हैं 2 और कितने गलत दिए हैं उसने y, तो 2y उसके नंबर कट गए, दिस इज इक्वल टू 50। अब अन्य इक्वेशंस को क्या करेंगे सॉल्विंग, कोफिशिएंट इक्वल बनाने पड़ेंगे पहले, 3x माइनस y इज इक्वल टू 40, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, इसको कर देते हैं 1 से, y का कोफिशिएंट इक्वल बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा 3 × 2 = 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80, और ये क्या गया 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50, इनको ऐड कर देते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि तभी हमारा साइन चेंज होगा, ये अभी सेम साइन है, कैंसिल करना है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, यहां पे क्या आया 2x और ये कितना आया हमारा 30, तो x इज इक्वल टू 30/2, तो दिस इंप्लाई x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 15, और ये वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 15 आपकी मर्जी है, या इक्वेशन 1 में पुट करें या सेकंड में, 1 में पुट कर देते थोड़ा आसान रहेगा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो दिस इंप्लाइज 45 माइनस y इज इक्वल टू 40, तो माइनस y इज इक्वल टू 40 माइनस 45, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, तो y कितना आ गया 5, तो दिस इंप्लाइज x हमारे क्या है इनकरेक्ट आंसर्स, जिनका 15 क्वेश्चन ऐसे ही हैं जिसका यश ने इनकरेक्ट आंसर दिया है और 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका यश ने इनकरेक्ट आंसर दिया है, दिस इंप्लाइज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 + 5, तो कितना आ गया 20, हमारा 20 क्या आ गया आंसर आ गया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर पार्ट ऑन ए हाईवे, दो पॉइंट्स ए एंड बी उनके बीच की जो दूरी दी हुई है कितनी दी हुई है 100 किलोमीटर, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, ए की टाइम पे पॉइंट ए और बी से
एक कार ए से स्टार्ट होती है, दूसरी कार कहां से स्टार्ट होती है, पॉइंट बी से. इफ द कार ट्रेवल्स, इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, दे मीट इन 5 आवर्स. अगर दोनों कारें एक सेम डायरेक्शन में चलती हैं, लेकिन स्पीड्स क्या है उनकी डिफरेंट, वो कितने टाइम बाद मिलती हैं, 5 घंटे बाद एक दूसरे को मिलती हैं. एंड इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चलती है, मतलब ये गाड़ी इधर आ रही है और ये गाड़ी इधर आ रही है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो कितने टाइम बाद मिलती हैं, 1 आवर बाद मिलती हैं. व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार्स, दोनों कार्स की हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है. मान लेते हैं मैंने जैसे ही बताया, जो क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है उसको हमें क्या करना होता है, मानना होता है. लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए एक्स किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी वाई किलोमीटर पर आवर. हमने मान लिया केस फर्स्ट, देखिए दो केस हैं, व्हेन बोथ द कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एंड बोथ द कार्स ट्रेवल इन टुवर्ड्स ईच अदर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, टुवर्ड्स ईच अदर व्हेन बोथ कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सपोज देखिए इधर देखिए, ये हमने ये कार यहां पे ए से स्टार्ट होती है, दूसरी कार से स्टार्ट होती है बी से, ए भी उधर की तरफ जा रही है राइट की तरफ, बी भी उसी राइट की तरफ जा रही है, यानी कि ए की सेम डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर ही जा रही है. मान लिया पी पॉइंट पे मिलती है, कितने टाइम बाद मिलती है वो, दे मीट इन 5 आवर्स. लेट दे मीट एट पॉइंट पी आफ्टर 5 आवर्स. हमने मान लिया 5 घंटे के बाद कहां पे मिलती है, पी पॉइंट पे मिलती है, और ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर. ठीक है, तो दिस इंप्लाइज अगर एपी में से बीपी को माइनस करेंगे, हमें ए भी लाना है, एपी में से किसको माइनस करेंगे, बीपी को, तो क्या बचेगा, एपी माइनस बीपी क्या बचा, एबी. ये समझ में आ गया भाई. पहला केस हमारा दोनों जो कार्स हैं, बोथ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, एक ही सेम डायरेक्शन में अगर जा रही हैं, तो कितने टाइम बाद मिलती हैं वो, 5 घंटे बाद मिलती हैं. ठीक है, मान लिया हमने पी पे दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, पी पॉइंट पे मिलती हैं 5 घंटे के बाद. ठीक है, एपी में से बीपी माइनस करेंगे तो एपी बचेगा. अच्छा देखिए एपी का मतलब क्या है, एपी दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ए, बाय द कार ए यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, ए से जो कार स्टार्ट होती है उसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है एपी, एपी का मतलब. और डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, याद है डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम. तो एपी दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ए, ठीक है, इन टाइम 5 आवर्स. स्पीड कितना है, ए से स्टार्ट हो रही है एक्स, और टाइम कितना है 5 आवर्स, 5x हो गया. सिमिलरली बीपी, बीपी का मतलब है बी से जो कार स्टार्ट होती है उसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया गया. ठीक है, तो टाइम कितना है, टाइम तो वही है 5, लेकिन स्पीड कितनी है y, तो 5y हो गया. और इज इक्वल टू ए बी कितना 100, 5 को मान ले सकते हैं हम, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100. 5 नीचे आएगा तो क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, 100/5. तो ये आ गया हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20. समझ आ गया, ये इतना हम रब कर देते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 आ गया हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 एक इक्वेशन बन गई. केस सेकंड, व्हेन बोथ कार्स ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर लिख देता हूं, लेट हम मान लेते हैं दे मीट एट पॉइंट, देखिए ये हमारा ए बी,
ए बी दोनों एक तरफ आ रही हैं, मान लिया ये कहां पे मिली सी पे, कितने टाइम दे मीट एट पॉइंट सी आफ्टर वन आवर, एक घंटे बाद मिलती हैं। देखिए जो हमने इक्वेशन बनाई है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैंने थोड़ा डिटेल में समझा दिया, बेटर है आप करके दिखाएं, नहीं तो आप इक्वेशन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, तो दिस इंप्लाइज ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी के इक्वल। अब ए सी, ए सी का मतलब है ए सी जो कार स्टार्ट होती है उसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया, और जैसे कि मैंने बताया डिस्टेंस का मतलब है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड एक्स है और टाइम कितना वन, तो एक्स हो गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन सोल्विंग इक्वेशन वन एंड टू, तो एक है हमारा x माइनस वाई इजल टू 20 और एक है x प्लस वाई इजल टू 100, कैंसिल हो गया हमारे पास 2x इजल टू 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 120 by 2, तो x की वैल्यू आ गई 60। ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, आप फर्स्ट में पुट कर देते हैं या सेकंड में पुट कर देते हैं, पुट x इजल टू 60 इन इक्वेशन सेकंड, तो ऑब्वियसली ये 40 आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज 60 प्लस y इक्वल टू 100, तो y कितना आ गया 100 माइनस 60, y कितना आ गया 40, दिस इंप्लाइज स्पीड ऑफ कार a, स्टार्टिंग फ्रॉम a इट मींस x था हमारा, x कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार b 40 किलोमीटर पर आवर। नहीं, हमने फाइंड आउट करना था स्पीड्स, फाइंड आउट करनी थी हमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। क्या कह रहा है, जो एरिया है रेक्टेंगल का, रिड्यूस्ड का मतलब है कम हो जाता है, कितना 9 स्क्वायर यूनिट्स, अगर हम लेंथ को हम 5 यूनिट्स बढ़ाएं और ब्रेथ को हम क्या करें, सॉरी लेंथ को हम 5 यूनिट्स घटा दें, रिड्यूस कर दें, और ब्रेथ को हम क्या कर दें 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, यानी कि हम ब्रेथ को बढ़ा रहे हैं और लेंथ को क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, तो एरिया हमारा क्या हो जाता है, घट जाता है 9 स्क्वायर यूनिट्स। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट्स, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट्स बढ़ा दें एंड ब्रेथ बाई 2 यूनिट्स, और ब्रेथ को हम कितना 2 यूनिट्स, अब क्या कर रहे हैं दोनों ब्रेथ और लेंथ दोनों क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं, लेंथ भी और ब्रेथ भी, द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, तो जो एरिया है हमारा कितना इंक्रीज हो जाता है 67 स्क्वायर यूनिट्स इंक्रीज हो जाता है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, डायमेंशंस, डायमेंशन मींस लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है आपने। हमने मान लिया लेट लेंथ बी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x यूनिट्स, देखिए सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया हुआ, यूनिट्स में माने दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल y यूनिट्स, एरिया कितना होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का इंटू b, तो x y स्क्वायर यूनिट्स हो गया, समझ आ गया। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है देखिए, नहीं लगा देते, फर्स्ट कंडीशन कहती है अगर हम इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, यानी कि लेंथ में अगर हम कितना घटा दें 5 और ब्रेथ को कितना बढ़ा दें 3, देखिए न्यू लेंथ हमारे पास आ गई, नई जो लेंथ आई है वो आ गई x माइनस 5 और जो ब्रेथ आ गई हमारे पास वो आ गई y प्लस 3, तो जो नया एरिया आया है वो क्या आ गया x माइनस 5 y प्लस 3 लेंथ इनटू ब्रेथ, नया एरिया आ गया। जब ये एरिया है, ये एरिया कितना कम हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है, 9 स्क्वायर यानी कि जितना पहला एरिया है उससे कितना कम हो गया 9, ये कंडीशन कहती है। कहने का मतलब है लेंथ में से 5 घटाने से और ब्रेथ में 3 ऐड करने से जो नया एरिया आया है ये एरिया
पहले वाले एरिया से कितना कम है, 9, ये कम है ना 9, तो पहले वाले की तरफ उस तरफ माइनस करेंगे क्योंकि ये कम है, ये कम है तो दूसरी साइड माइनस होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो दिस इंप्लाइज एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल, तो 3x माइनस 5y माइनस 9 प्लस 15, ये माइनस का 15 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। सेकेंड कंडीशन देखिए क्या कहता है, अगर हम लेंथ में 3 बढ़ा दें और ब्रेथ में कितना 2, तो एरिया अब कितना बढ़ जाता है 60 स्क्वायर यूनिट्स। जो नया एरिया आएगा वो पहले वाले से कितना ज्यादा होगा, 67 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए न्यू लेंथ कितनी होगी, 3 बढ़ा रहे हैं हम और ब्रेथ में कितना बढ़ा रहे हैं 2, समझ में आ गया, ये नया एरिया आ गया, लेंथ नई, न्यू लेंथ 3 बढ़ा दी, न्यू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, न्यू एरिया, ये एरिया पहले वाले एरिया से ये 67 ज्यादा है, दूसरे की तरफ ऐड होगा, जो चीज ज्यादा है उस तरफ ऐड नहीं होती, दूसरे की तरफ, अगर ये कम है तो दूसरे की तरफ माइनस होगी, उस तरफ माइनस नहीं होती, ठीक है। ये एरिया पहले वाले एरिया से कितना ज्यादा है, 67। तो सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2x प्लस 3y, 6 को उधर राइट में चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। अब आपको जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं पेपर में मेंशन नहीं होता, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, और एनसीईआरटी के ये फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है उसमें भी लिखा हुआ है बाई एनी एल्जेब्रिक मेथड्स, 3 एल्जेब्रिक मेथड्स है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और सबसे जो आसान है वो है हमारा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। तो क्या करते हैं हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम कोफिशिएंट इक्वल बनाने हैं, हमें बेटर है हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से, हम x और y के कोफिशिएंट इक्वल बना रहे हैं, आपकी मर्जी, और y के भी कोफिशिएंट इक्वल बना सकते हैं, थोड़ा आसान रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 टू 6x माइनस 10y इक्वल टू 12 और 3 टू 6x प्लस 3 9y इक्वल टू 3, 6 थ्री 18, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, माइनस का, तो माइनस 10 माइनस 9 माइनस 19y इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 171। तो दिस इंप्लाइज माइनस 19y इक्वल टू माइनस 171, माइनस से माइनस कर गया तो y इक्वल टू 171 डिवाइड बाई 19, किस में कैंसिल होगा भाई, 9 पे 9 पे पूरा कैंसिल होता है, 99 जा 171 होता है, पुट y इक्वल टू 19 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट कर दें, फर्स्ट में कर दें या सेकंड में, सेकंड में फर्स्ट में कर देते हैं, तो y 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 6, तो दिस इंप्लाइज यहां पे आएगा नहीं, यहां से इसको क्या कर देते हैं, हम इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा, ये हमने क्या कर दिया, रब कर दिया, तो ये आ गया हमारा 3x माइनस 45 इक्वल टू 6, तो 3x इक्वल टू 6 प्लस 45, तो ये क्या आ गया, 3x इक्वल टू 51, तो x कितना आ गया हमारा 51 बाई 3, 17 पे कैंसिल होता है ये, तो दिस इंप्लाइज लेंथ कितनी आ गई, x थी हमारी लेंथ 17 यूनिट्स और ब्रेथ कितनी आ गई, ब्रेथ 9 आई है, 9 यूनिट्स।